मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा छवि को सुधारने के लिए एक अनोखा कदम उठाया गया है, जिसमें काफ़ी बड़े बदलाव करते हुए आम जन को ऑनलाइन माध्यम से ही सभी सुविधाएं मिले इसकी तरफ कदम बढ़ाया गया है। साथ ही जो भी बाबू आम लोगों को कार्यालय के चक्कर लगवाते हैं, ऐसे सभी बाबुओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हमारे साथ MDA के उपाध्यक्ष IAS अभिषेक पांडे हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से विभाग छवि को सुधारते हुए आम लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। सर देख रहे हैं कि MDA की छवि को लेकर जो पहले बातें होती थी वो बदलाव हो रहा है, इसी कड़ी में आप काफ़ी बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, क्या बदलाव है जिससे कि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल जाए? देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण की आम जनमानस में एक ट्रांसपेरेंट और जीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में छवि स्थापित करने के लिए हमने अपने संस्थान में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, जिसके क्रम में आज हमने मानव संसाधन प्रबंधन से शुरुआत की है। बहुत लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात जो हमारे कर्मचारी थे और फील्ड में हमारे कर्मचारी जिनके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी, उनको आज हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल वाइड चेंज के दौरान उनकी ज़िम्मेदारी से डाइवेस्ट करके उनको दूसरी जगह पे भेजा है, और जो हमारे अच्छे कर्मचारी हैं, जो यंग कर्मचारी हैं, उनको फील्ड में हमने उतारा है। जो हमारे अच्छे लिपिक हैं उनको संपत्ति विभाग में हमने चार्जेस दिए हैं, और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल वाइड चेंज है। हमारे सभी अनुभागों की हमने रीस्ट्रक्चरिंग की है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जगह पे प्रभार दे रखा था जिससे उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी। हमने कोशिश की है वन मैन वन जॉब, वन वुमेन वन जॉब के प्रिंसिपल को पालन किया जाए, और इसके माध्यम से लोगों की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय हो सकेगी। इसके बाद हम प्राधिकरण की बहुत सारी प्रक्रियाओं का मानकीकरण और सरलीकरण भी करने वाले हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जनता को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सके और जनता का ह्यूमन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट मेरठ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत रिड्यूस किया जा सके। ये सारे कदम हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आम जनमानस में हमारी संस्थान की छवि एक जीरो करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, शून्य भ्रष्टाचार संस्थान के रूप में स्थापित हो सके। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, करप्शन के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं है, ना आज है ना कल होगा, ना आगे किसी भी प्रकार की कोई रियायत बरती जाएगी ऐसे किसी भी कर्मचारी के प्रति जो कि भ्रष्टाचार के किसी भी प्रकरण में लिप्त पाए गए। और इस क्रम में हमने ये भी निर्णय लिया है कि आगे से अगर कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार के किसी प्रकरण में लिप्त पाया गया तो पहला FIR में तहरीर में स्वयं अपनी तरफ से दूंगा, जिससे कि ये संदेश स्पष्ट हो सके कि करप्शन के प्रति वी हैव जीरो टॉलरेंस।